श्री राधे राधे। भक्तों, ये शरीर जो ठाकुर जी की कृपा से सबको प्राप्त हुआ है, इसमें माध्यम तो माता पिता बनते हैं। शरीर की प्राप्ति के लिए माध्यम तो माता पिता बनते हैं, लेकिन कर्ता नहीं होते हैं। वो कर्ता ठाकुर जी हैं। नहीं तो कितने माता पिता ऐसे हैं जो इच्छित संतान की प्राप्ति नहीं कर पाते। और ठाकुर जी को जिसे भेजना है उसको तुम लाख कोशिश कर लो, रोक नहीं पाओगे, उसका जन्म होगा। तो ये योजना भगवान की होती है। भगवान जिसको मनुष्य का शरीर देते हैं वही यहाँ उस रूप में जन्म लेता है। तो इसमें जो वेदांत की बातें भी हम यूट्यूब में बहुत बार डाल चुके हैं कि पंच कर्मेंद्रियाँ और पंच ज्ञानेंद्रियाँ, इन सब का जो गाइड करने वाला डायरेक्टर है मन। मन को बुद्धि के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन करते नहीं है। किया जा सकता है और करते हैं। कब करते हैं? जब जान का खतरा देखते हैं तब करते हैं। मैं आपको सुना चुका हूं कर्णवास की बात कि एक नशेबाज, जो मैंने कहा भैया चिलम छोड़ देने तो कैंसर हो जाएगा, वो नहीं छोड़ा। और थोड़े दिन बाद आया रोता धोता, तो हमने कहा अब क्या हुआ? बोला महाराज कैंसर हो गया। हमने कहा आप छोड़े कि नहीं? बोला अब तो छोड़ दिया। अब तो छोड़ दिया। वो साधु महात्मा के कहने से नहीं छोड़ा, वो डॉक्टर ने जब बताया कि अब तुम मरने वाले हो तब छोड़ दिया। वो तो बहुत सीरियस घटना थी। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप परहेज नहीं करते हो। बीमार आदमी परहेज बहुत कम करता है, खाता उल्टा सीधा। किंतु यदि उसके सामने रखा हुआ लड्डू जो हाथ में ले लिया हो और उसका पक्का दोस्त, रिश्तेदारी में भोजन वो मिला हो, कहीं प्रेम की रिश्तेदारी नहीं थी, ऐसे ही घटिया थी, और किसी पक्के दोस्त ने धीरे से आके कान में बताया मत खाना, पॉइजन मिलाया गया है, जहर मिलाया गया है, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी के साथ धोखेबाजी होने वाली है, इसलिए जहर मिलाया गया है, कान में धीरे से बता के बग गया। अब तुम बताओ उस लड्डू को देखोगे कि कितना बढ़िया है, खाएं कि ना खाएं? तुरंत भाग जाओगे वहां से कि पता नहीं और भी किसी में मिला दिया हो? क्यों भागे? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ने मन को कंट्रोल कर लिया। ये लॉजिकल बात है। अब तक मन हावी था, अरे इतना अच्छा लड्डू, ऐसा खाने को कहाँ मिलेगा, अब आज तो भरपेट ही खाएंगे, ये मन कह रहा था। लेकिन जब बुद्धि ने उसको बिल्कुल दबाया कि जान निकल जाएगी तेरी, खा लेगा तू, छोड़ दे इसको, अब मन की चली कि बुद्धि की चली? अब बुद्धि की चली, अब मन की नहीं चली। ऐसे ही जो अलर्ट रहता है उसकी बुद्धि क्रियाशील होती है, मन को दबा देता है, बुद्धि दबा देती है। किंतु हमारी इंद्रियां मन के अधीन चलती हैं। मन को यदि डाइवर्ट किया बुद्धि ने तो इंद्रियां भी अब लाड़ नहीं टपकेगी लड्डू खाने को, अब हाथ नहीं बढ़ेगा लड्डू उठाने को। ये कर्मेंद्रिय हाथ, कर्मेंद्रिय हाथ वो पीछे हट गया, और जिह्वा इंद्रिय रसना बोलते, रसना इंद्रिय, रसना से रस टपटपा रहा था, लार गिर रही थी, और तुरंत भूल गया कि लार गिराना है कि भागने की बात आ गई। तो इंद्रियों में भी जो सबसे ज्यादा गड़बड़ इंद्रिय है, जो हम लोगों को खड्डे में गिराना चाहती है, वो इंद्रिय है आंख, जिह्वा और उपस्थ। जिह्वा अर्थात रसना इंद्रिय, जिह्वा और उपस्थ
मतलब जेनाइटल ऑर्गन, अब उसको इससे ज़्यादा क्लियर मैं नहीं कर सक करना चाहता हूँ। तो उपस्थ का तब तात्पर्य जेनाइटल ऑर्गन और जीवा टंग, तो ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ हैं साधक को पतन के गर्त में गिराने के लिए। इसमें प्रारंभ कहाँ से होता है? आँख से। अब वो आँख में जगत के आकर्षण घुस जाते हैं तो भक्त कहता है प्रभु ये नहीं ठीक है, मेरे नयनों में रहा कर तुम्हें मैं प्यार करूं। हृदय में तो बाद में आओगे, पहले तो आँख में आ जाओ, जहाँ जाऊं मुझे यही लगे कि आपकी गोपी आ रही है, आपके ग्वाल बाल आ रहे हैं। वृंदावन में हम परिक्रमा कर रहे हैं तो देवी देवता उनमें चल रहे हैं। आज हम लोग परिक्रमा चलेंगे ना, सावधान रहना, वहाँ कुत्ता बंदर ये सबको मारना नहीं, किसी को कचड़ा कूड़ा सड़क पर डालना नहीं, परिक्रमा पर ये सब नहीं करना। और साधु हों चाहे भिखारी हों चाहे विकलांग हों चाहे पागल हों, उनको देख करके ये मत समझना कि बिल्कुल गया गुजरा और मैं बड़ा अच्छा। तुम बड़े अच्छे अपने को मानोगे, साधक नहीं माने जाओगे। अपने दोष को देखो और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आपके कितने मतवाले भक्त होंगे इनमें, इन परिक्रमा करने वाले या वृंदावन धाम की रज में लौटने वाले कितने कितने सिद्ध होंगे, छिपे हुए भक्त हम तो नहीं जानते हैं, हम इनको कैसे समझें। आप ही मेरी आंखों में आ जाओ तब मैं आपका जगत देख पाऊंगा, अभी तो माया का जगत देख रहा हूँ। माया का जगत नहीं देखना है प्रभु, मुझे आपका अर्थात भक्तों का जगत देखना है। कुछ इसी प्रकार की प्रार्थना इसी इस भजन में है जो आप श्रवण करने जा रहे हैं। श्री राधे राधे। मेरे नैनों में रहा कर, मेरे नैनों में रहा कर, तुझे मैं प्यार करूं। मेरे नैनों में रहा कर, तुझे मैं प्यार करूं। श्याम बात किया कर, बिने बहु बारी
ने स्वीकार करो मानो नाथ दास मुझे श्याम सुंदर तुझे मैं प्रेम अपरंपार करूं श्याम सुंदर तुझे मैं प्रेम अपरंपार करूं श्याम कुछ बात किया कर भावपूर्ण प्रस्तुति रही है श्री राधे राधे।